हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवर सॉफ्ट के बारे में। ये एक वाटर सॉफ्टनर जैसा है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है, जैसे कि आपके टैप में और बकेट वगैरह में अगर वाइट वाइट से कुछ जम जाता है, तो आपको पता चलेगा कि ये हार्ड वाटर है। तो ये हमारे स्किन के लिए और बालों को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि बाल झड़ते हैं, स्किन रूखा रूखा सा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो कि हम टैप में लगाते हैं। ये एक टैप के जैसा काम करता है। वाटर सॉफ्टनर पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है, रिवर सॉफ्ट। तो ये प्रोडक्ट 101 इनोवेशंस का है और ये आपको पैकेट में सब मिल जाएगा। इसकी MRP है 5,000, पर आपको अमेज़न से ये 1,800 में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको ये स्किन के आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे से लिखा है प्रोटेक्ट स्किन प्रोटीन, प्रिवेंट्स हेयर फॉल, रिमूव्स बैड ऑर्डर, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया। रिमूव्स बैड ऑर्डर मतलब आपका पानी में अगर स्मेल आता होगा तो वो न्यूट्रल कर देगा और पानी थोड़ा बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा और आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। और आपका स्किन अगर हार्ड वाटर की वजह से ड्राई हो गया होगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर ये मॉडल आपका 15 स्टेज फिल्टर देके पास करता है। यहाँ पे लिखा है 15 स्टेजेस से पास करता है, जैसे कि PPB KDA 55 से गुजर कर एक्टिवेटेड कार्बन भी उसका एक लेयर है, फिर अल्कलाइन बॉल्स, मैग्नेटिक एनर्जी बॉल्स, फिर हाई डेंसिटी स्टेनलेस स्टील, वो भी 2 लेयर्स का है, कैल्शियम सल्फाइड, फिर विटामिन सी, मिनरल स्टोन्स, वाइट मिनरल बॉल्स, रेड मिनरल बॉल्स, सिल्क गैस्केट, वो भी 2 लेयर्स का दिया हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने लेयर्स हैं, 15 लेयर्स से पास होके आता है, फिल्टर होके आता है। प्रोडक्ट TDS को चेंज नहीं करता, कुछ उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसको बरकरार लगता है। दिया हुआ है आप कहाँ कहाँ से अटैच कर सकते हैं, शावर में लगा सकते हैं, टैप में लगा सकते हैं। इस पैकेट को खोल के देखते हैं, अनबॉक्स करके देखते हैं। तो आपको इसमें एक टेफ्लॉन मिल जाएगा और ये 2 एडाप्टर मिल जाएंगे। और ये है मेन प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिवर्स सॉफ्ट, आपका रिवर्स सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनर। आपको इस तरफ से लगाना है इसको। देखिए यहाँ पे एक फ़िल्टर दिया हुआ है, इस तरफ से पानी गुजर कर आएगा, 15 स्टेजेस देके आएगा, इधर से पानी आएगा। स्टील का, बट स्टील का नहीं है, इसमें क्रोम का फिनिशिंग है। और इसके साथ हमको 2 अडेप्टर मिल जाएंगे, जो कि आपके टैप के साथ कंपैटिबल होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप वापस उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको भेज देंगे। और उसके साथ एक रेंच भी है, जिसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, ये अडेप्टर को टैप के साथ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं, रिवर्स ऑफ शावर फिल्टर क्या होता है और ये पानी को कैसे क्लीन करता है और किस किस इसका क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हेयर फॉल रिड्यूस करता है और हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और स्किन के ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया प्रिवेंट करते हैं और पानी से जो बदबू आते हैं, जैसे बैड ऑर्डर वगैरह ब्लीचिंग का या क्लोरीन का, उसे भी ठीक करते हैं। फिर यहाँ भी सब दिए गए हैं कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसे शार में, और यहाँ पे टैप में कैसे इंस्टॉल करना है, तो सब सारे डिटेल्स दिए गए हैं।
अगर आपकी आपको कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर्स पे। यहाँ पे उनका ऑफिस आवर्स भी दिया गया है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ एनी इशू। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ था क्योंकि हम लोगों को जो अडेप्टर मिला था वो कॉम्पेटेबल नहीं था, तो हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया और 3-4 दिन के अंदर उन्होंने ये अडेप्टर भेज दिया। बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। और ये जो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ये पानी के TDS को कम नहीं करता है, तो हम इसे पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैनुअल में यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 40,000 liters तक काम कर सकता है, मतलब 4 से 6 महीने तक काम करेगा। तो कैटरेज, इसके अंदर एक कैटरेज है, दिखा देती हूँ आपको। ये इसे कैटरेज बोलते हैं, इसके अंदर कैटरेज है जिसको आपको रिप्लेस करना होगा अगर पानी में ज़्यादा गंदगी भर गई तो ये काम करना बंद कर देगा 4 से 6 महीने के बाद, तो आपको इसे रिप्लेस करना होता है। ये भी आपको अमेज़न में मिल जाएगा, अवेलेबल है वहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि ये आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएगा अमेज़न में, बस इससे रिप्लेस करना होता है, नहीं तो ये इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। फिर तो अगर आप कभी कैटरेज रिप्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो सारे होल्स हैं ये नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ, ये फिल्टर ऊपर की तरफ रहेगा, बस आपको ऐसे स्क्रू कर देना है, बस हो गया। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। फिर यहाँ पे ये मेंटेनेंस फ्री भी है, यहाँ पे मेंशन हुआ है कि अगर आपके पानी में ज़्यादा गंदगी हो भी गई, इम्प्योरिटी ज़्यादा हो गया और ये क्लॉग कर देगा तो ये फिल्टर सारे क्लॉग हो जाएंगे, तो पानी स्लो होगा, पानी आना स्लो हो जाएगा, ये कभी जैम हो जाएगा अगर इम्प्योरिटीज़ की वजह से, तो पानी स्लो हो जाएगा आना, तभी आपको एक कैटरेज रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रिकॉशन, अगर किसी को भी एलर्जी होती है तो आप इमीडिएटली उसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसके साथ 2 अडेप्टर मिला था जो कि आपकी टैप के साथ कंपैटिबल होगा, अगर नहीं भी हुआ तो आप वापस से कर सकते हैं, उन्हें वापस से कांटेक्ट करके ला सकते हैं। इसे यहाँ पर लगाना, अटैच करना होता है, हो गया। इसे अभी टैप में अटैच करेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। ये है टैप, आपकी टैप के नीचे पोर्शन में एक स्क्रू जैसा होगा, उसे एरेटर बोलते हैं, तो इसे हमें निकाल कर इसे लगाना होता है। बहुत टाइट ही नहीं निकल रहा है तो मैं बस दिखा देती हूँ, ऐसे स्क्रू करके लगाना होता है।